हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ट्यून। की डीआईवाई के लिए मैंने लिया है एमडीएफ बोर्ड, जिसको प्राइम कर दिया है, और ये है एमडीएफ कटआउट, जिसको हम सेंटर में रखेंगे और चारों साइड करेंगे लिपन की डिज़ाइन। डिज़ाइन मैंने ट्रेस कर ली है, आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। सेंटर में हम ये लीफ पैटर्न रखने वाले हैं, इस पर हम कर रहे ग्रीन एक्रेलिक कलर। आप चाहे तो लाइट ग्रीन, ग्रीनरी ग्रीन, कोई भी शेड का ग्रीन कलर ले सकते हैं। जस्ट इवनली आपको लीफ के पैटर्न को ग्रीन कलर से फिल कर देना है। अब लेंगे क्रिम्सन रेड कलर, जो गणेशा की पैटर्न को हम करने वाले हैं। बीच के पार्ट को कर रहे हैं गोल्डन कलर। अब इस लिपन आर्ट के लिए मैंने लिया है मार्बल पाउडर। आप आपके नीड से मेजरमेंट ले सकते हैं, जिस पे हम ऐड कर रहे हैं फेविकॉल MR। फेविकॉल डालते जाए, मिक्स करते जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर ले, कोई भी लम्स रहने नहीं चाहिए। और देखिए, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। इसमें हम ऐड करेंगे वाइट एक्रेलिक कलर। अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब मैंने यहाँ पे ली है स्क्वायर पॉलीथिन। कुछ इस तरह से हमें कोन बना लेना है। एंड को पकड़ते जाए, ट्विस्ट करते जाए, और हमारा कोन रेडी हो चुका है। टिप पे टेप लगा दे, रेस्ट पार्ट काट ले। अब हमें इसमें फिल करना है मार्बल पाउडर का मिक्सचर। कोन के टिप तक अच्छी तरह से फिल कर दे। पूरा ही मिक्सचर कोन में फिल करने के बाद कोन को कुछ इस तरह से सील करके सेल टिप लगा दें। कोन के टिप को काटेंगे और लाइन की थिकनेस चेक करेंगे। आपको जब थिकनेस परफेक्ट लगे, काम स्टार्ट कर दें। आपको सिंपली कोन जो हमने डिज़ाइन ट्रेस की है उस पर चला दे जाना है। देखिए कितना स्मूथली हमारा कोन चल रहा है, क्योंकि हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छा बना है। पूरी ही डिज़ाइन को मार्बल पाउडर के कोन से कवर कर लिए। सेम वैसे जो हमारा लीफ का कटआउट है, उसे भी हम बॉर्डर दे रहे हैं सेम कोन से।
कोकून वर्क हो चुका है, ड्राई भी हो गया है हमारे बेस पे और लीफ एमडीए पे। अब हम बेस पे कर रहे हैं वाइट एक्रेलिक कलर, एक कोट कलर हमें दे देना है। सेंटर पार्ट में करेंगे बोल्ड एक्रेलिक कलर। आप चाहे तो कॉपर, ब्रॉन्ज, मेटालिक कलर भी यूज कर सकते हैं। जस्ट इवनली आपको कलर कर देना है। पॉन्च पे लिया है गोल्ड कलर और जो कोन वर्क है उस पे हम डबिंग कर रहे हैं। सिंपली आपको स्पॉन्ज से कलर डबिंग करना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ब्रश से भी कर सकते हैं। गोल्डन कलर हो चुका है हमारे बेस पे और लीफ एमडीए पे। अब आती है मिरर की बारी। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स लिए हैं क्योंकि मेरी डिज़ाइंस छोटी है। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मिरर स्टिक करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं राउंड मिरर्स, डायमंड शेप मिरर्स। आपकी चॉइस और अवेबिलिटी के हिसाब से आप मिरर की शेप चूज कर सकते हैं। है कुछ डायमंड मिरर्स, ट्रायंगल मिरर्स, स्क्वायर मिरर्स, राउंड मिरर्स, आई शेप मिरर्स। गणेशा लीफ एमडीएफ को भी हम मिरर से डेकोरेट करेंगे। हमारा एमडीएफ बेस और लीफ कटआउट दोनों ही रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे हम यहाँ पे सेंटर में स्टिक कर देंगे। स्टिक हो चुका है। तीन कॉर्नर में हम लगा रहे हैं टेसल्स। वाइट वुलन टेसल हम यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे और हैंगिंग के लिए टॉप पे। गणेशा लिप्पन आर्ट वॉल हैंगिंग बनके रेडी है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप भी ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching, friends. Bye-bye.